महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन, माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी का स्वागत अभिनंदन वंदन और साथ ही सभी मंचासीन उपस्थित महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। मैं अति आदर के साथ माननीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अंगवस्त्र द्वारा स्वागत करें माननीय राज्यपाल महोदया जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय सदस्य विधान परिषद, करतल ध्वनि के माध्यम से इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित करने में आपका योगदान अपेक्षित है। कृपया आप सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल साइलेंस मोड पर डाल लें या स्विच ऑफ कर लें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर स्वागत करेंगे देवियों और सज्जनों, भारत के प्रथम नागरिक अति आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का, तथा हृदय से स्वागत है भारत की आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि कृपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही निवेदन करूंगी देश की माननीय प्रथम महिला से कि कृपया आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय राज्यपाल महोदया
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करूंगी कि कृपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, भारत गणराज्य की फर्स्ट लेडी महोदया, आदरणीय राज्यपाल जी, हम लोगों के नृत्य के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव मौर्य जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान दिनेश शर्मा जी, हम लोगों के सांगठनिक मार्गदर्शक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, सामने बैठे हुए सम्मानित मंत्रीगण, भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें वर्ष में पूरे देश में माननीय राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौरी चौरा के 100वें वर्ष का समारोह प्रचलित है। इस दोनों कार्यक्रमों में हम लोग पूरे प्रदेश में लगातार ऐसे स्वतंत्र वीरों, पूज्य शहीदों से जुड़े हुए स्थलों, स्मृतियों को सहेजने संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नए स्वरूप में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय आस्था के जो केंद्र हैं उसको भी विकसित करने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। रामराज की परिकल्पना के साकार स्वरूप अयोध्या का विकास प्रारंभ हो चुका है। श्री कृष्ण प्रभु के केंद्र ब्रज क्षेत्र का भी विकास हम कर रहे हैं। विंध्य धाम, नैमिषारण्य, सभी स्थलों का विकास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे महापुरुष हैं उनके गौरव को, उनके कृतित्व को एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में लेकर के विकसित करने का, उनके स्थलों को विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। चाहे वो प्रयाग में, श्रृंगवेरपुर में सखा भक्ति के प्रतीक निषादराज गुह हो, वीर शिवाजी के वही स्मृति जो आगरा से जुड़ी हुई हो उसको भी विकसित कर रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे करने वाले महाराजा सुहेल देव के स्मृति को भी भव्य रूप देकर के विकसित कर रहे हैं। महामना के स्थल को भी प्रयाग में विकसित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया और पंच तीर्थों का बाबा साहब से जुड़े हुए विकास की परिकल्पना की और उस पर काम भी प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में आज अत्यंत पुनीत अवसर है। ऐसे महान पुरुष
जिसने स्वतंत्रता के दौरान भी और स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र की चेतना और राष्ट्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूज्य बाबा साहब के स्मृतियों को सहेजने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आपके कर कमलों द्वारा कुछ क्षणों में ही शिलान्यास होगा। इस गौरवशाली क्षण पर पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। बहुत बहुत आभार माननीय। स्वागत वंदन अभिनंदन। अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करूंगी कि देश की माननीय प्रथम महिला नागरिक का स्वागत अपने कर कमलों से करें। आभार और धन्यवाद माननीय। शंखनाद की मंगल ध्वनि से वातावरण पावन और पुनीत होता है। हम सबके समक्ष स्वस्ति वाचन एवं शंख वादन। पूर्वे संजानानं
जनाना उपासते उपासक इत्युपासते इति घनपाठः। आभार, धन्यवाद। पूरे विश्व के मंगल और कल्याण हेतु संगायन व परिपाठ किया जाता है कि जिसके प्रभाव से सबका कल्याण हो, सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो और सभी का मंगल हो, मन शांत हो। हम सब के समक्ष बौद्ध भिक्षुगण द्वारा संगायन और परिपाठ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Oh,
अवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वलोकीभवन्तु ते अवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोती भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते साधु। आभार आप सभी बौद्ध भिक्षुगणों का। अब प्रस्तुत है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र पर आधारित ये वॉक थ्रू फिल्म। भारत भूमि पुण्य भूमि। इस भूमि पर कई अवतारों ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने जन्म लिया और समाज के उत्थान के लिए अकल्पनीय योगदान दिया। भारत देश महान और इसकी महानता है यहाँ जन्म लिए महान व्यक्तियों से, भारत भाग्य रत्नों से। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर एक कुशल अर्थशास्त्री, विधि विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वो स्वाधीन भारत के पहले कानून मंत्री। हम सब जानते हैं कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम का मतलब है डॉक्टर आंबेडकर की जय। इस महानायक ने शोषितों, अशिक्षितों को जागृत करने का कार्य किया, साथ ही दलितों, अस्पृश्यों के उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष, हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो प्रखर आवाज, उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। 1930 में ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, ऐबल की गर्जना जैसे आंदोलन किए। इस प्रकार का महान मानव मानवता की ओर हार के लिए कभी कभी ही इस तरह काम दिया करके अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तित्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण एक प्रेरणा स्थल के रूप में किया जा रहा है। ऐशबाग लखनऊ में 1.34 एकड़ भूमि पर इस सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस सांस्कृतिक केंद्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा की स्थापना होगी। यहाँ पर बाबा साहेब की पवित्र अस्थियों का कलश भी दर्शनार्थ स्थापित होगा, जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है। बाबा साहेब के दर्शन और जीवन पर शोध के लिए सांस्कृतिक केंद्र में संदर्भ पुस्तकालय, संग्रहालय, अत्याधुनिक और बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। यहाँ आगंतुकों और अनुयायियों के ठहरने के लिए डॉर्मेट्री, कैफेटेरिया एवं अन्य जन सुविधाएं होंगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लखनऊ में स्थापित हो रहा ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल के रूप में जाना जाए। अति आदर के साथ निवेदन करूंगी अति आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास बटन दबाकर करें। धन्यवाद माननीय। अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें।
भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला सम्मान्य श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधान परिषद के मान्य सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित महानुभाव, मैं देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उन्होंने अपनी स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए हम सबको समय दिया है और आज उनके कर कमलों से कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। इस महामानव के साथ किस कालखंड में क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जब 29 जून 2021 को हम सब यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में उनके सानिध्य में इस केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, याद करिए आज से 93 वर्ष पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ भी किया था। यानी ठीक 93 वर्ष पहले 1928 में समता, देश गुलाम था, देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा और अपनी उच्च शिक्षा को अर्जित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की सेवा के लिए आगे आए थे और आज ही वह तिथि थी जब उन्होंने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ करके देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए
पूरे देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य का शुभारंभ भी किया था। हम सब गौरवान्वित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अपने सार्वजनिक जीवन और महापरिनिर्वाण में दिल्ली के अंदर बनाए गए केंद्र का हो, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर, या चैत्य भूमि मुंबई, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, ये पंच तीर्थ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत के उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों दलितों उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश का यह अत्याधुनिक स्मारक और म्यूजियम या सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी का जिन्होंने इसके लिए आज हमें समय दिया है और आज उनके करकमलों से कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का जिनका मार्गदर्शन और प्रेरणा सदैव प्राप्त होती रही है, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना सहयोग दिया, और अंबेडकर महासभा जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को इस लखनऊ के अंदर हमेशा जीवंत बनाने का काम किया है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा निरंतर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके गांव गांव में घर घर में जाकर के उन सब के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की उन तक पहुंचाने का कार्य, उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं के साथ उन्हें जोड़ने का कार्यक्रम, निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसी कड़ी को एक नई आधुनिकता प्रदान करने के लिए यह स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज यहाँ पर स्थापना का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए पर्यटन और संस्कृति विभाग विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि एक समयबद्ध तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम बहुत शीघ्र पूरा करते हुए इसका भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी जब हो तो उसी केंद्र के स्थल पर हो तो बहुत अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात मैं करपत्र निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया जी से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। इसके माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी,
पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर मिल्टन तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों और सज्जन, हम सभी के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने मूल्यवान समय में से कुछ क्षण इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि इस केंद्र में प्रेक्षागृह, पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, छायाचित्र दीर्घा व संग्रहालय के साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मुझे विश्वास है कि स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र हमारे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा केंद्र सिद्ध होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके आदर्श, सिद्धांत और जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोत्तर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पी के रूप में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब पूरे भारत के लिए सम्मान के प्रतीक हैं। देश को स्वतंत्र कराने एवं आज़ादी के बाद संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने संपूर्ण जीवन में दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। भारतीय समाज में फैले हुए जाति विभेद, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को दूर करने तथा महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा उन लोगों के जीवन में प्रकाश लाए जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। वास्तव में शिक्षित, जागरूक और सभ्य लोग ही एक शांतिमय और समृद्ध समाज के आधार स्तंभ होते हैं। देश की समग्र समृद्धि के लिए सभी को शिक्षा के समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा परिवर्तन लाने का बहुत शक्तिशाली माध्यम है और यह न केवल किसी व्यक्ति को आजीविका कमाने बल्कि समाज और राष्ट्र में योगदान करने का अवसर उपलब्ध कराती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर योगदान की चर्चा करते हुए कहा था कि बाबा साहब की महानता है कि वह संविधान रूपी अमृत छोड़ गए। अम्बेडकर नहीं होते तो संविधान कानूनी दस्तावेज तो होता लेकिन सामाजिक दस्तावेज नहीं बन सकता था। यह सच है कि बाबा साहेब द्वारा गढ़े गए भारत के संविधान से मिले कवच से आज भी समाज के सभी वर्ग अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारा देश आज़ादी के बाद से लेकर अब तक संविधान के अनुसार ही चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्र निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में कई तरीके से अपना सहयोग दिया है जिसको कभी विस्तृत नहीं किया जा सकता है। आज हम सबको यह याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन कठिन संघर्ष और उपलब्धियों की गाथा है। उनके जीवन ने इतिहास पर एक अमीर छाप छोड़ी। वह पीड़ित और उपेक्षित लोगों के महसीहा थे। ऐसे महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन स्मृति में स्थापित किया जा रहे इस प्रेरणा केंद्र के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे सहृदय माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं लोकप्रिय माननीय
प्रधानमंत्री महोदय के सतत मार्गदर्शन और निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा साहेब के आदर्शों को केंद्र में रखकर समाज के समस्त वर्गों के उत्तम विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रदेश के शोषित समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम सफल हुए हैं। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी महोदय का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात मैं अति विनम्र निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, अभिसिंचित करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की महान सांस्कृतिक चेतना से जुड़े इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट महानुभाव, उपस्थित बौद्ध भिक्षुगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जन, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने स्वस्ति वाचन तथा भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत गायन एवं पाठ के प्रभाव को भी सुना और एक इस प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण बना। आध्यात्मिक वातावरण की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भिक्षुओं द्वारा जो प्रस्तुत गायन एवं पाठ का यहाँ पर हम सब लोगों के साथ रखा गया, उसमें बार बार यदि हमने ध्यान से सुना होगा, बार बार वो कहते थे भवतु सब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क देते थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र में हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का वो यही होना चाहिए, भवतु सब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास सबका ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। यह भी मेरा सौभाग्य है कि दो दिन पहले ही 27 जून को मैं अपनी जन्मस्थली कानपुर स्थित परौह गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज के दिन का एक औचित्य मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, 93 साल पूर्व डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, समता मूलक समाज की रचना, और उसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया समता नाम का। और हम सब ने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त है।
यहाँ तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका जिसको प्रियम्बल कहते हैं उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया, फ्रेटर्निटी बंधुत्व जिसको ये समता अर्थात बाबा साहब के दिलों और दिमाग में ये शब्द एक ऐसा गुंजायमान था कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ कि आज का दिन उन्होंने चुना, उसका औचित्य आज की तारीख का, और ये तारीख मुझे लगता है कि हम सब के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 93 वर्ष पूर्व जो डॉक्टर आम्बेडकर ने यात्रा शुरू की थी समतामूलक समाज के निर्माण की, उस यात्रा के आज हम सब लोग जो सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा उस यात्रा को आगे बढ़ाने का उसके हम सब लोग साक्षी बन गए। इस लखनऊ शहर से बाबा साहब आम्बेडकर का भी एक खास संबंध रहा है जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में ही था और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल हम भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया। महू जहाँ वो पैदा हुए उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। साथ ही दिसंबर 2017 से दिल्ली में आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना से देश विदेश में बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच राष्ट्रीय राजधानी में भी उपलब्ध हुआ है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिस प्रकार की सोच आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आज शुभारंभ हुआ। बाबा साहब की स्नेह भूमि लखनऊ में उनके स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। मैं चाहूंगा कि यहाँ प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। ये भी सहयोग है कि जिस विश्वविद्यालय जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का
राष्ट्रपति होने के नाते मैं विस्तर हूँ, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम का डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी लखनऊ में स्थित है। मुझे लगता है कि आपका स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र और बाबा साहब के जो नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के तालमेल से बाबा साहब के जो विचारों की का प्रवाह है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता व योग्यता का परिचय मिलता है। हम सब जानते हैं कि वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के अलावा हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की छाप है। बाबा साहब के विजन में चार बातें हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। ये चार बातें हैं नैतिकता, समता, आत्मसम्मान और भारतीयता। इन चारों आदर्शों तथा जीवन मूल्यों की झलक बाबा साहब के चिंतन एवं कार्यों में दिखाई देती है। बाबा साहब की सांस्कृतिक सोच मूलतः समता और समरसता पर आधारित थी। अद्भुत प्रतिभा, मानव मात्र के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को विश्व समुदाय ने मान्यता दी है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा था। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध के विचारों का भारत की धरती पर इतना गहरा प्रभाव है। मैं यहाँ पर भगवान बुद्ध का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब के चिंतन में भी भगवान बुद्ध पूरी तरह से छाए हुए हैं। इतना गहरा प्रभाव है कि भारतीय संस्कृति के महत्व को न समझने वाले साम्राज्यवादी लोगों को भी महात्मा बुद्ध से जुड़े सांस्कृतिक आयामों को अपनाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन, जिसका निर्माण लगभग 100 साल पूर्व हुआ था, राष्ट्रपति भवन के भव्य गुंबद की बनावट बौद्ध धर्म से जुड़ी वैश्विक विरासत सांची स्तूप पर आधारित है। उसी गुंबद पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा। हमारे राष्ट्र ध्वज के केंद्र में सारनाथ के धर्म चक्र पर आधारित अशोक चक्र अंकित। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा राजधानी नई दिल्ली के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर भगवान बुद्ध से जुड़े प्राचीन भारतीय प्रतीक व स्थापत्य के उदाहरण मौजूद हैं। शायद आप सबको मालूम हो कि हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें जो स्पीकर की कुर्सी है उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये संदेश अंकित है जिसका आवाहन गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन में किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसारित किया। उनके इस प्रयास के मूल में करुणा, बंधुता, अहिंसा, समता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का और सामाजिक न्याय के आदर्श को कार्य रूप देने का उनका उद्देश्य परिलक्षित होता है। नवंबर 2017 में मैंने बोधगया में स्थित महाबोधि पीपल का एक पौधा मंगवाया था राष्ट्रपति भवन, उसे राष्ट्रपति भवन के बगीचे में लगाया। उस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और हरिजन सेवक संघ के सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया। मेरी दृष्टि में वह पौधा बुद्ध
और सही मायने में डॉक्टर आम्बेडकर की व्यापक और करुणामय विश्व दृष्टि का प्रतीक है। वो जो 6 इंच का पौधा, छोटा सा पौधा था, अब लगभग 6 फुट ऊंचा हो गया है। वह पौधा भगवान बुद्ध की व डॉक्टर आम्बेडकर की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ राष्ट्रपति भवन को जोड़ने के एक जीवंत सेतु के रूप में विद्यमान रहेगा। देवी और सज्जनों, अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान बाबा साहब ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण के 2 दिन पहले ही उन्होंने बुद्ध और धम्म पर अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया था। भगवान बुद्ध के करुणा और सौहार्द के संदेश को उन्होंने अपने जीवन और राजनीति का आधार बनाया। अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा था कि मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं, वो एक लोकसभा भंडारा लोकसभा है, वहाँ से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उन्होंने कहा कि मैं भंडारा के उपचुनाव में पराजित हुआ हूँ, मुझे ये बुरा नहीं लगता, इस चुनाव में मेरे पक्ष में बहुत अधिक मतदान हुआ, अपने वर्ग के मतों को छोड़ दिया जाए तो समाज के दूसरे लोगों ने भी मेरे पक्ष में मतदान किया, इस बात का मुझे संतोष है। मैं हारा अथवा जीता ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार बाबा साहब ने जो नैतिकता का प्रदर्शन किया था और सौहार्द के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया था। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान बाबा साहब के अनेक समकालीन देशवासी ये कहा करते थे, हम सब लोग जानते हैं जिस समय स्वाधीनता संग्राम आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी ये हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का बहुत प्रदर्शन होता था। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए बहुत सारे नेता हमेशा ये कहा करते थे कि भी हम सब लोग हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं और ये सोच रखनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज। लेकिन बाबा साहब की सोच इससे ऊपर थी। जब दूसरे नेता ये कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं बाद में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन और सिख, तो बाबा साहब कहते थे नहीं, हम पहले भारतीय हैं बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, अर्थात ये बीच में कहीं भी जाति धर्म संप्रदाय इनका कोई इसका इसमें कोई स्थान नहीं। देवी और सज्जनों, बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के पक्षधर थे। वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए सदैव सक्रिय रहे। बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान में आरंभ से ही मताधिकार समेत प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी, उसमें वेमेंस को जो राइट, वोटिंग राइट्स हैं, वो 100 साल बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उसके 100 साल के पश्चात वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन उसकी तुलना में भारत का देखिए, भारत के संविधान में जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए और इसका श्रेय जाता है बाबा साहब आम्बेडकर और उनकी टीम। विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में ये समानता महिलाओं को लंबे समय के बाद मिल पाई। भारत के संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी समानता का मूल अधिकार दिया गया। बाबा साहब चाहते थे कि समानता के इस मूल अधिकार को
संपत्ति के उत्तराधिकार तथा विवाह एवं जीवन के अन्य पक्षों से जुड़े मुद्दों पर भी एक अलग विधेयक द्वारा स्पष्ट कानूनी आधार दे दिया जाए। इस बदलाव को तेज गति के साथ लागू करने के विषय पर उनका अनेक प्रमुख जनसेवकों के साथ मतभेद भी रहा, लेकिन आज महिलाओं के संपत्ति पर उत्तराधिकार जैसे अनेक विषयों पर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर ही हमारी विधि व्यवस्था आगे बढ़ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब की दूरदर्शी सोच अपने समय से भी बहुत आगे है। देवी और सज्जनों, मेरी शुभकामना है कि इस सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य सुचारू रूप से और समय पर संपन्न हो। मुझे विश्वास है कि यह सांस्कृतिक केंद्र सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, बाबा साहब के आदर्शों एवं उद्देश्यों से परिचित कराने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। साथ ही मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूँगा कि बाबा साहब के जीवन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप समाज व राष्ट्र का निर्माण करने में ही हमारी वास्तविक सफलता है। इस दिशा में हमने प्रगति अवश्य की है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़े आदर्शों पर चलते हुए हम भारत के लोग समता, समरसता और सामाजिक न्याय पर आधारित सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार माननीय। राष्ट्रगान के सम्मान में सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने बहुमूल्य समय से ये सुंदर क्षण हम सबको दिए, और इसी के साथ भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदय और भारत की प्रथम महिला नागरिक का प्रस्थान हो रहा है। आप सभी कृपया भी अपने स्थानों पर खड़े रहें। कृपया अभी अपने स्थानों पर आप सभी खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।